बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। प्रथम चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। ये महत्वपूर्ण और हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, वो यहाँ पर इस बार गठबंधन से, सपा बसपा और रालोद का जो गठबंधन है, उससे चुनाव मैदान में उतरे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि श्री डॉक्टर संजीव बालियान जी भाजपा के यहाँ से सिटिंग विधायक हैं और भाजपा के बड़े जाट नेताओं में से हैं, मंत्री भी हैं, तो उनसे मुकाबला चौधरी अजीत सिंह जी का है। दोनों ही सजाती उम्मीदवार हैं, तो ये मुकाबला बहुत ही रोचक होगा, जिसमें पिछली बार इन्होंने 4 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। और इस बार जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, ये कोई यहाँ पर वैसे ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लीडर हैं और गठबंधन के मुख्य पार्ट हैं, तो इसमें फिर भी हम अगर विधानसभाओं पर नज़र डालें तो इसमें 5 विधानसभाएं इसमें आती हैं, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर तो एक है ही, इसके साथ साथ जो खतौली का आपने नाम सुना है, बहुत ही जाट बाहुल क्षेत्र है, ये भी इसी में आती है। सरधना जो गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, ये भी इसी में आता है। और चरथावल एक लोकसभा सीट, विधानसभा सीट है, और 5वीं बुधाना एक विधानसभा सीट है। इनमें अनुसूचित जाति की काफ़ी अच्छी संख्या है, तो पांचों विधानसभाओं को अगर देखें, तो अगर एक लोकसभा पर अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो जाति समीकरण एक बार अलग अलग उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। 5,70,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, 1,80,000 शेड्यूल कास्ट के मतदाता हैं, 1,10,000 ठाकुर मतदाता हैं, 1,25,000 कश्यप मतदाता हैं, 1,70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। तो वैसे तो इस बार मुस्लिम मतदाता चौधरी अजीत सिंह जी के पक्ष में मतदान करते हुए दिख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के भी मतदाता अजीत सिंह जी के फेवर में वोट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ जो दूसरे समाज के, जो कश्यप समाज है, ब्राह्मण समाज है और ठाकुर समाज के मतदाता हैं, वो भी इनको वोट करेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर था, तो इसलिए जो कांग्रेस के मतदाता हैं वो भी चौधरी अजीत सिंह जी को मतदान करेंगे। और एक बार मैं और बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो मोदी लहर थी, उसमें करीब 1.5 लाख जो जाट मतदाता हैं, उन्होंने संजीव बालियान जी को वोट किया था। 1,10,000 जो गुर्जर मतदाता हैं, उन्होंने भी संजीव बालियान जी को वोट किया था। इस बार ये 2 लाख, 2.25 लाख के करीब या 2.5 लाख मतदाता जो हैं, ये चौधरी अजीत सिंह जी को वोट करेंगे, तो ये इनके प्लस में जा रहा है। क्योंकि गठबंधन का अगर वोट देखें
पिछली बार का, तो 2.5 लाख से ज़्यादा वोट बीएसपी को मिला था और समाजवादी पार्टी को भी 1,60,000 के करीब वोट मिला था, लगभग बराबर उसके सेकंड नंबर पर था, तीसरे नंबर पर। और 1,29,000 वोट जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को भी मिला था, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को 6,53,000 वोट मिला था, वो सबसे आगे था, काफ़ी अंतर से मतलब उनकी जीत हुई थी संजीव बालियान जी की। तो इस बार लग रहा है कि उसमें से जो 2.5 लाख वोट हैं ये सीधे माइनस हो रहे हैं संजीव बालियान जी के वोट में से, तो इनको 4,53,000 के करीब वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि चौधरी अजीत सिंह जी के फेवर में 7 लाख से ऊपर मतदाता मतदान करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर जाति समीकरण को देखा जाए, पार्टियों के गठबंधन के समीकरण को देखा जाए, तो दोनों ही तरीके से चौधरी अजीत सिंह जी काफ़ी बड़े अंतर से जीत रहे हैं। और मैं समझता हूं कि चौधरी अजीत सिंह तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार वो बहुत ही ईमानदारी से अपना जो सजाती वोट है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिनकी जो आबादी है लगभग 5% से भी ऊपर है, वो गठबंधन के साथ जुड़ करके करीब 12 लोकसभा की सीटों को, जो जाट मतदाता हैं 12 लोकसभा की सीटें जिता रहे हैं, अकेले जाट मतदाता के मतलब ऐड होने से 12 मतलब जो गठबंधन की सीटें जीत रही हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे मतों से ये सीट चौधरी अजीत सिंह जीतेंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, लेकिन असली नतीजे तो 23 मई को ही पता लगेंगे, इसलिए आप इंतजार करिए 23 मई तक। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।